तो गाइस कैसे हो सब। आज मैं आपको कुछ अलग चीज बताने वाला हूँ। देखो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, मुझे पता लग गया है कि भाई आपको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग के अंदर, कि भाई आप ब्लॉगिंग में चैट जीपीटी से भाई कितने पैसे कमा सकते हो और कैसे करके हम पैसे कमा सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर चैट जीपीटी से। तो ऐसे ही मैंने भाई 3 से 4 महीने पहले एक अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी, और स्टार्ट करने के बाद आज मैं आपको उसके स्टेट्स मतलब की सर्च कंसोल डाटा दिखाने वाला हूँ, और आप मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ उस चैट जीपीटी वाले ब्लॉग से वो चीज दिखाने वाला हूँ, है ना। पूरी रियलिटी आपको खाने वालों में आप। तो भाई आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे होगे @, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो भाई बिना बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम अपनी वेबसाइट के सर्च कंसोल का डाटा दिखाता हूं मैं आपको सबसे पहले। तो हम यहां चलते हैं डाटा पे। ओके ये रहा, इस वाले हम सर्च कंसोल पे आ जाते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो 812 क्लिक और 62,000 इंप्रेशन गई हुई है। यहां पर हमने मार्च में वेबसाइट स्टार्ट की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर हम नॉर्मली काम कर रहे थे, मतलब 1 महीना हमने काम किया था, नॉर्मली काम कर रहे थे। काम करने के बाद हम इसे थोड़ा भूल भी गए थे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस हुए थे इस वेबसाइट पे काम करने के लिए। तो हम यहाँ पर फोकस हुए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लग गई थी हमारी, इंप्रेशन और क्लिक थोड़े बहुत बढ़ने लग गए थे, मतलब कि ट्रैफिक ऊपर को ही बढ़ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ, है ना। अब देखो ऊपर नीचे गया थोड़ा, फिर ऊपर उठ गया, है ना। 6,000 इंप्रेशन आई थी, 20 क्लिक आए थे, मतलब कि ज्यादातर इंप्रेशन ज्यादा। आप यहाँ पे देख सकते हो हम इस वेबसाइट पे 50% ह्यूमन कंटेंट राइट कर रहे थे और 50% चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे, है ना। और अच्छे से कर रहे थे, बिल्कुल ह्यूमन टच देगे। जब भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जाकर, यहाँ पर देखो ऊपर को वेबसाइट उठी, और ऊपर जाने के बाद सीधा नीचे डाउन आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब है गूगल को पता लग गया कि भाई हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की मतलब कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने की चैट जीपीटी से, और ह्यूमन टच देके, है ना। जब भी देखो गूगल ने हमें पकड़ लिया यहाँ पर, और पकड़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ इंप्रेशन 1,500 आ रही थी, मतलब कि 2,000-1,500 इंप्रेशन आ रही थी, और आप यहाँ पे देखो सीधा 19 इंप्रेशन हो गई, 19, 20, 20। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली ये चलता रहा, मतलब कि यहाँ पर हमारी हिट हो गई थी। ये कोई स्पैम अपडेट से या कोर अपडेट से किसी से भी हिट नहीं हुई थी वेबसाइट, ये ऑटोमेटिकली हुई थी, कोई अपडेट ही नहीं आया था जब। ये क्यों ही, क्योंकि हम चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, है ना। एक वेबसाइट तो ये थी हमारी। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट और दिखाता हूँ, है ना। तो एक ये वेबसाइट है जो कि हमने इस पे भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा था चैट जीपीटी, हम इसको 6 मंथ कर लेते हैं डाटा इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की थी जून में की थी, और यहाँ पर हमने थोड़ा पोस्ट लिखने गई, तो यहाँ पर देख सकते हो इनक्रीज हो रही है धीरे धीरे इंप्रेशन, 150-200, यहाँ पर 200-250 तक इंप्रेशन पहुंची थी। आप देख सकते हो क्लिक धीरे धीरे आ रही है। ये सारी जो है दोनों जो वेबसाइट है ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहा था, मैं ट्राई करके देख रहा था पर हुआ नहीं, तो भाई आप क्या कर सके। आपको मैं रियलिटी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर 250-300 तक इंप्रेशन भी गई है, और कुछ क्लिक अभी आ रहे यूनाइटेड स्टेट से। ये कैशी नीच थी जिस पर हाई सीपीसी नीच थी, मतलब ये अच्छा खासा सीपीसी भी मिल रहा था इस पर। ये वेबसाइट मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारी सितंबर तक हमारी ये वेबसाइट अच्छी चली, सितंबर के बाद देखो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट डाउन हो गई। देख रहे हो सीधा यहाँ पर इंप्रेशन कितने आ रही, 250-300 इंप्रेशन आ रहे, सीधा यहाँ पर हमने जंप नीचे मारा है सीधा, 3+3 इंप्रेशन। अब यहाँ पे देख रहे हो ना ये क्लिक आ रहे हैं ना, ये देखो इंप्रेशन 48 और 22 क्लिक आ रहे हैं। ये जो क्लिक आ रहे हैं ये आ रहे हैं डोमेन पर, डोमेन मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, जो ये ऊपर आगे का ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट ट्रैफिक है। जो ये वेबसाइट हमारी यहाँ हिट हुई यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो गया था, पोस्ट वोस्ट सारे गूगल से हट गई थी। जो ये ट्रैफिक आगे का दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट ये डायरेक्ट ट्रैफिक दिखा रहा है जो ये डोमेन पर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डोमेन का ट्रैफिक, एक मिनट यहाँ पे हम क्वेरी में कर लेते हैं, ये जो है डोमेन पर आ रहा है review.com ऐसे कुछ करके, ना। तो आप देख सकते हो मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, मतलब हमने इतनी मेहनत करी, ह्यूमन टच दिया अच्छे से, और चैट जीपीटी यूज किया, पर गूगल ने जब भी पकड़ लिया कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब भाई ये है कि भाई अगर आप बिगनर हो ना, तो भाई बिल्कुल भी आप यूज मत करो चैट जीपीटी को हल्के, मतलब कि भाई गूगल को कुछ पता नहीं लगेगा, हम ह्यूमन टच कर लेंगे। बहुत से लोग कर रहे हैं पर वे भी ज्यादातर टिक नहीं पाएंगे ज्यादा लंबे टाइम तक। ये जो चीज है ना ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। आप भाई अच्छे आपका चैट जीपीटी ब्लॉग आज अच्छे से चल रहा है ना, तो भाई गारंटी से वो कल को बेकार होना ही होना है। और बेकार ऐसा होगा आपको आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसा बेकार होगा कुछ आप कर भी नहीं पाओगे उसको, बस सेल ही करना पड़ेगा आपको ऐसे एडसेंस के साथ। भाई मैंने इस पे एडसेंस तो ले लिया था, मुझे अच्छा खासा सीपीसी भी मिल रहा था एडसेंस में। तो भाई जब हमारे यहाँ पे ट्रैफिक डाउन हुआ, यहाँ पर हमारे एडसेंस मिल गया था, यहाँ पर कुछ अच्छी खासी भी अर्निंग हो रही, होने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रैफिक डाउन हो गया, भाई यहाँ पर एकदम झटका
लगा मगा कैसे हो गया। अब हमने चेक किया, पूरा चेक किया, वेबसाइट एकदम परफेक्ट, और यहाँ पर देखा तो भाई गूगल अपडेट मतलब गूगल ने वेबसाइट हिट कर दी है हम जो चैट जीपीटी का यूज कर। इसके बाद भी मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई, इससे पहले भी मैंने मतलब ये जो वेबसाइट है ना दो वेबसाइट दिखाई है, इससे पहले भी हमारी 2 से 3 वेबसाइट ऐसी हो चुकी। बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं ट्राई नहीं कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरे पास डोमेन पड़े थे, मैंने ट्राई किया और वे सारे बेकार गए। अब भाई ये जो वेबसाइट हमारी मैंने इसको सेल कर दिया क्योंकि एडसेंस था 10,000 में मैंने ये जो वेबसाइट है इसको सेल कर दिया था क्योंकि इसके पास इसकी इस वेबसाइट पे एडसेंस था और एडसेंस इस पे होता है तो इजीली आराम से सेल हो जाती है, तो हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया था। तो ये चीज हुई हमारे साथ, मैंने आपको बता दी। बिल्कुल भी आप यार यूज मत करो चैट जीपीटी को भाई, 100% यूनिक कंटेंट लिखो, थोड़ा सा टाइम ला के लिखो पर यूनिक लिखो, मतलब जो कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ अच्छे से यूजर को, है ना। चैट जीपीटी से बिल्कुल ही हट गए हम, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करें क्योंकि हमने करके देख लिया कि भाई क्या होता है क्या नहीं। हमारे कुछ ब्लॉग भी चल रहे हैं जो कि अच्छे खासे चल रहे हैं अब, जो कि हम 100% यूनिक और इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उन वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे ही हम कर रहे हैं। तो भाई किसी को भी कुछ क्वेरी हो या कुछ काम हो मेरे से तो भाई आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और वहां पर आप मैसेज करके मुझे डीएम कर देना आपको जो भी प्रॉब्लम आए। तो भाई अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो ना तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।